गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग आज 2 BCA के अंतर्गत एडवांस सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों ने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं, एक बार इसको फिर से नए तरीके से पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को उठा रहे हैं। तो बेसिक सी बात है कि पॉइंटर पढ़ने से पहले हमें आखिरकार पॉइंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चूंकि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है कालबाई बेलू और कालबाई रेफरेंस। जब हमें डायनेमिक रूप से किसी डेटा को स्टोर करना है तो वो विदाउट पॉइंटर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अपन पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे कि पॉइंटर आखिरकार है क्या। तो पॉइंटर्स आर पावरफुल फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। देखिए, चाहे सी प्रोग्रामिंग हो चाहे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो, इन दोनों का पॉइंटर एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। ए पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज ए वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। जैसा कि यहां पर ये कह रहा है कि जो पॉइंटर वेरिएबल सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, बशर्ते उनका डेटा टाइप सेम हो। चूंकि ये हमको पता है कि पॉइंटर किसी वेरिएबल की वैल्यू को ना होल्ड करके उसके एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर्स आर यूज टू एक्सेस मेमोरी एंड मैनिपुलेट द एड्रेस। जो पॉइंटर है वो मेमोरी को मैनिपुलेट करके उसके एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। पॉइंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक सी लैंग्वेज का मौजूदा फीचर्स है। इट प्रोवाइड्स पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द लैंग्वेज, जो हमारी सी लैंग्वेज को पावर तथा फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करने में मदद करता है। ऑल्दो पॉइंटर्स मे अपेयर ए लिटिल कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड इन द बिगिनिंग। देखिए, शुरुआत में पॉइंटर थोड़ी से कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कठिन है। चूंकि हम जब तक पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तब तक हमें पॉइंटर में काम करना आसान नहीं लगता है। बट ट्रस्ट मी, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू डू सो मच मोर विद सी लैंग्वेज। लेकिन ये मेरा विश्वास करिए, आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर इससे ज़्यादा इजी सी लैंग्वेज के अंतर्गत कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्योंकि जब हम मेमोरी को डायनेमिक टाइप से होल्ड करने की बारी आएगी तो हमें पॉइंटर की बड़ी याद आएगी। बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट पॉइंटर आर एंड व्हाट दे कैन डू, लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। मतलब सबसे पहले पॉइंटर को स्टार्ट करने के पहले हमको मेमोरी का एड्रेस लोकेशंस क्या होता है वो समझना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए क्या होता है,
यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई भी वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया तो वो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन में असाइन होता है। व्हेनेवर वेरिएबल इज डिफाइंड इन सी लैंग्वेज ए मेमोरी लोकेशन इज असाइंड फॉर इट। तो जैसे वो वेरिएबल सी लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है वो मेमोरी एलोकेशन उसको असाइन हो जाता है। अब मे बी वो मेमोरी एलोकेशन क्या है वो अपने को नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर असाइन किया गया, लेकिन असाइन होता है। इन विच इट्स वैल्यू विल बी स्टोर्ड, और जहाँ पर उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। वी कैन ईजली चेक दिस मेमोरी एड्रेस यूजिंग द एम्परसेंड सिंबल। हम उस मेमोरी को, जिस मेमोरी को मेमोरी में हमारा वेरिएबल स्टोर हुआ है, हम उसके एड्रेस को एम्परसेंड सिंबल की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। तो माना इफ वेर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, मतलब एक प्रोग्राम अब हम आगे देखेंगे, उसमें हमने एक वेरिएबल लिया है बैर नाम का, और एक बार हम बैर को प्रिंट करेंगे और एक बार एम्परसेंड बैर, रेड कलर में आपको एम्परसेंड बैर दिख रहा होगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उस बैर को प्रिंट करेंगे ताकि हमें उस वेरिएबल का एड्रेस मिल सके। तो राइट ए स्मॉल प्रोग्राम टू सी मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल दैट वी डिफाइन इन प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम है वो देखिए कि उसके थ्रू हम कैसे मेमोरी एड्रेस को देख सकते हैं। प्रोग्राम टू सी मेमोरी एड्रेस हैस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैस इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन इंट बैर, बैर नाम का एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेवन, उसकी वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, सेवन दिया हुआ है। और इसके बाद हम CLR SCR फंक्शन, मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, फिर प्रिंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको, चूंकि आइडेंटिफायर यहाँ पर परसेंटेज डी लगेगा, इंटीगर के साथ जब हम डील करते हैं तो ये यहाँ पर बैर हमने प्रिंट किया। फिर मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, चूंकि मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो आइडेंटिफायर हैं, एक तो एक्स था और दूसरा पी था, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स का यूज किया है और उसमें एम्परसेंड बैर लिख दिया, मींस अब वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा, जो मेमोरी में स्टोर किया गया है प्रोग्राम उसका एड्रेस कहाँ, जहाँ पर सेवन मेरा स्टोर है। तो देखिए इस प्रोग्राम को रन करके, अब आप देखिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, सेवन है, क्योंकि मैंने सेवन इनिशियलाइज किया हुआ है। और मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल क्या है, FFF4, मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में दिया गया है आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। फिर इसी को मैंने भी एक एक बताया था आपको कि हम इसको कर सकते हैं काहे के थ्रू, पी के थ्रू भी कर सकते हो। तो देखिए पी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, पी के थ्रू करने के लिए हमें, मैं इसी को यहां पर x की जगह सिंपल मैंने क्या लिख दिया, p लिख दिया, ठीक है। और अब देखिए इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को रन करूंगा मैं, अब देखिए क्या कर रहा है, वहां पर FFF4 और यहां पर FFF4, मीन्स ये जो वैल्यू है वेरिएबल की वो उसको एड्रेस को इस, जो जिस एड्रेस में वो स्टोर है उसी एड्रेस को मेरे सामने उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इससे क्या होता है, हमारा एड्रेस प्रिंट होने के बाद हमें ये इस बात का प्रूफ हो जाता है कि हमारा वेरिएबल कहीं पर भी डिक्लेयर होता है वो उसको एड्रेस पहले से असाइन कर दिया जाता है, तब जाकर उसकी वैल्यू उसमें जाकर स्टोर हो जाती है। तो अब आगे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। अब हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर करने का कुछ नियम कानून है। तो द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल। सी में जब भी किसी नॉर्मल वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक सिंबल लगा दिया जाता है, एस्ट्रिक का मतलब
कंप्यूटर की भाषा में इसको गुणा बोलते हैं, लेकिन पॉइंटर की भाषा में इसको एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं, और इसे इनडायरेक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डी रिफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है, मतलब इसके कई नाम है, इनडायरेक्शन है, डी रिफरेंस है। ठीक है, तो हम जब किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल जैसे इंट ए लिखा हुआ, सपोज दैट इंट ए है, अगर उसके पहले मैंने ए के पहले एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा दिया तो ये क्या हो गया, पॉइंटर वेरिएबल हो गया। यदि मैं इसका एस्ट्रिक हटा लेता ए के पहले, इंट और ए के बीच में जो एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा हुआ इसको मैं अगर हटा दूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, ए हो जाए, मतलब एक नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन इसका चूंकि टाइप क्या है, इंटीगर है, इसलिए हम पॉइंटर टू इंट। कैर एस्ट्रिक सी, मतलब ये क्या है, करेक्टर टाइप का सी पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर टू कैर। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, राइट ए सी प्रोग्राम टू वर्किंग ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर वर्किंग कैसे करता है वो हम देखने चलेंगे। तो पॉइंटर को वर्किंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जरा देखिए, अब देखिए ये कैसे काम करता है, आप देख पा रहे होंगे दो हेडर फाइल्स हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन इंट पीसी, एक पीसी जो लिया गया ये पॉइंटर सी है और ये नॉर्मल सी है, एक पीसी लिया गया उसके पहले एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा दिया गया है, मतलब एस्ट्रिक सिंबल लगने से वो पॉइंटर वेरिएबल हो गया और ये आपका नॉर्मल वेरिएबल है। फिर C इक्वल्स टू 22, हम चूंकि C नॉर्मल वेरिएबल को वेरिएबल वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं तो C इक्वल्स टू 22। एड्रेस ऑफ C, अब यहाँ पे एड्रेस हम किसका C का प्रिंट करा रहे हैं, एम परसेंट C, और वैल्यू ऑफ C, अब C की वैल्यू को अपन प्रिंट करा रहे हैं C, ये नॉर्मल हो गया। अब हमने क्या किया, चूंकि ये हमको मालूम है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है ना कि उसकी वैल्यू को, तो हमने पॉइंटर सी में क्या कर दिया, नॉर्मल सी का एम परसेंट लगाकर, जब इसके पिछले प्रोग्राम में हमने एम परसेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था तो उसको क्या कर दिया, पीसी पे स्टोर करा दिया। अब जब इसको स्टोर कराया तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर, मतलब पॉइंट पीसी भी कहीं ना कहीं स्टोर है, उसको भी एड्रेस मिला है, उसका एड्रेस प्लस उसकी वैल्यू। जब पॉइंटर वेरिएबल को अपन प्रिंट कराते हैं तो वहाँ उसके पहले एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा देते हैं, जबकि नॉर्मल वेरिएबल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से एक वैल्यू हमने फिर लिया 11, फिर हमने क्या किया, उसी तरह से पीसी और कंटेंट ऑफ द पॉइंटर पीसी। अब चूंकि मैंने सी की वैल्यू 11 कर दिया है, ठीक है, लेकिन मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी और पॉइंटर पीसी, तो चूंकि ऑलरेडी मेरे में वैल्यू कौन सी स्टोर है, 22, तो इसका भी आंसर 22 और इसका भी आंसर 22 आएगा। देन अब पीसी इक्वल्स टू 2, अब यहां पर मेरे तो क्या एम परसेंट सी और सी ये दोनों देगा। अब देखिए इसको क्या रन करने के बाद आता है, देखिए यहाँ पर क्या किया अपन ने, पहला एड्रेस ऑफ सी FFF4, वैल्यू ऑफ सी 22, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, चूंकि यहाँ पे हमने सी का वैल्यू स्टोर करा दिया था तो FFF4 और उसकी वैल्यू 22, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीसी FFF4 और कंटेंट ऑफ द पॉइंटर पीसी 11, एड्रेस ऑफ सी FFF4 और वैल्यू ऑफ सी 2। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इसका, पॉइंटर डिक्लेयर है, देखिए व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन ए प्रोग्राम सिस्टम एलोकेटेड ए लोकेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो एन एड्रेस टू द वेरिएबल इन द मेमोरी टू होल्ड द एजाइंड वैल्यू, दिस लोकेशन हैज इट्स ओन एड्रेस नंबर विच बी जस्ट सा अबव, लेट अस अज्यूम दैट सिस्टम हैज एलोकेटेड मेमोरी लोकेशन 80F फॉर ए वेरिएबल ए। देखिए ये इंट ए इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा, तो ए नेम ऑफ द लोकेशन ए हो गया, लोकेशन ये हो गई और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10,
और एड्रेस कितना हो गया 80F। अब यहाँ पे जो एड्रेस 80F लिखा है, जरूरी नहीं कि 80F आए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम, जैसे FFF4 हम लोग अभी अभी एक वैल्यू प्रोग्राम देखे उसमें FFF4 दे रहा है, मींस वो कौन सी वैल्यू दे प्रोवाइड करेगा ये डिपेंड करता है सिस्टम पर, ये हम पर डिपेंड नहीं करता। सिस्टम किस मेमोरी एड्रेस को प्रोवाइड करेगा ये सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ए पॉइंटर वेरिएबल इज देयरफॉर नथिंग बट ए वेरिएबल व्हिच होल्ड्स एन एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल गेट स्टोर्ड इन ए अनदर मेमोरी लोकेशन। मींस अब देखिए यहां पर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, चूंकि पहले तो नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल, तो पॉइंटर वेरिएबल भी कहीं ना कहीं एड्रेस में स्टोर, विदाउट एड्रेस तो स्टोर नहीं होगा ना। तो देखिए ए नाम का वेरिएबल है मेरा और 10 मैंने वैल्यू उसको दिया है, 80F उसका एड्रेस है। अब चूंकि एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने PTR बनाया और उसका एड्रेस आप पॉइंटर क्या दिया 82C, अब इसमें हम क्या स्टोर करा देंगे एड्रेस आप ए, तो एड्रेस आप ए क्या है 80F है। तो जब हम एड्रेस ऑफ पॉइंटर तो हमें क्या मिलेगा 82C मिलेगा। ओके मींस किसी भी पॉइंटर में वो भी कहीं ना कहीं जाके मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये जो फिगर हमको बता रहा है, ये अगर फिगर आप बहुत क्लियर कर लेंगे तो इससे सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल एक ही जैसे, अंतर सिर्फ इतना है एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करता है और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल को भी स्टोर होने के लिए एड्रेस ही, तो यहाँ पर 82C जो है वो उसका पॉइंटर का एड्रेस है। अब एक प्रोग्राम देख रहे हैं, राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वाप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दो नंबरों को स्वाप मतलब अगर इंटरचेंज करने का, लेकिन तीसरा वेरिएबल अपन यूज नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे अपन इसको कर सकते हैं, यहां पर देखिए int a equals to 10 और b equals to 20, ये दोनों नॉर्मल वेरिएबल है, फिर एक लिया है पॉइंटर वेरिएबल p1, दूसरा लिया है p2, p1 में हमने a का एड्रेस स्टोर करा दिया है, p2 में हमने b का एड्रेस स्टोर करा दिया है, अर्थात p1 equals to 10 और p2 equals to 20। clrscr फंक्शन बिफोर स्वाप p1 और p2, तो यहाँ पर p1 और p2 की वैल्यू स्वापिंग के पहले क्या होगी वो बता देगा, फिर स्टार p1 इक्वल्स टू p1 प्लस p2, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर p1 और p2 को क्या कर देगा, जोड़ देगा, फिर जब जोड़ देगा तो p2 खाली हो जाएगा, तो p2 में क्या करेगा p1 माइनस p2, जो p1 की वैल्यू है वो p2 से घटा देगा, फिर p1 में p1 माइनस p2 और इसके बाद p1 और p2 को वो प्रिंट कर देगा। तो देखिए क्या आएगा, पहले हमारे पास 10 और 20 था, अब स्वापिंग के बाद 20 और 10 हो गया है। तो ये बिना थर्ड वेरिएबल के स्वापिंग का प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट पार्ट पॉइंटर का, तो रिमेंबर व्हाइल यूजिंग पॉइंटर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने योग्य होते हैं पॉइंटर को बनाते समय। तो पहला पॉइंट है हमारा व्हाइल डिक्लेयरिंग या इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर वेरिएबल, एस्ट्रिक इंडिकेट दैट द वेरिएबल इज ए पॉइंटर, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें एस्ट्रिक सिंबल को लगाना जरूरी होता है, यदि हम एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगाते हैं तो वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल नहीं माना जाएगा, इसी को डी रिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। फिर द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इज गिवन बाय प्रोसीडिंग द वेरिएबल नेम विद एम्परसेंड, जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस हमको लेना है तो हमें उसके पहले एम्परसेंड साइन लगाना जरूरी होगा। तीसरा पॉइंट है द पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी के एड्रेस को स्टोर करेगा, तो द डिक्लेरेशन इन स्टार ए डज नॉट मीन दैट ए इज गोइंग टू द कंटेन एन इंटीजर वैल्यू, मतलब एस्ट्रिक ए का मतलब कि उसमें हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, इट मीन्स दैट इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू, मतलब अब हमें इंटीजर वैल्यू को, अगर इंटीजर एस्ट्रिक ए हमने कर दिया तो इंटीजर एस्ट्रिक ए का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू के एड्रेस को, बसरते वो इंटीजर होना चाहिए दूसरे का नहीं लेगा, तो उसको इस पे अपन क्या कर सकते हैं स्टोर करा सकते हैं। टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ सर्टेन एड्रेस स्टोर्ड बाय ए पॉइंटर वेरिएबल
एस्ट्रिक ऑपरेटर इज यूज, मतलब जब भी किसी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है या उसको एड्रेस को स्टोर करना है तो हमें पॉइंटर वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। एंड हियर द स्टार कैन बी रीड ए वैल्यू एज वैल्यू एड, मतलब उसकी वैल्यू को तभी हम रीड कर पाएंगे। मीन्स ये कह रहा है कि जब भी कोई वैल्यू आपको प्रिंट कराना होगा तो उस वेरिएबल के फिर पॉइंटर वेरिएबल को लगाना आवश्यक हो जाता है। अब बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स, हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बिलो वी हैव लिस्टेड ए फ्यू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पॉइंटर, मतलब पॉइंटर्स के कई सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन अपन कुछ महत्वपूर्ण बेनिफिट्स यहाँ पर रख रहे हैं। तो पॉइंटर्स आर मोर इफिशियंट इन हैंडलिंग अरे एंड स्ट्रक्चर, मतलब अरे और स्ट्रक्चर को हैंडल करने में ये सक्षम है, साथ ही हमको आसानी से मदद करते हैं। पॉइंटर्स अलाउ रेफरेंसेस टू फंक्शन एंड देयर बाई हेल्प इन पासिंग ऑफ फंक्शन एज आर्गूमेंट टू अदर फंक्शन, मतलब ये मैं पहले शुरुआत में गया था, पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस, इसी को हम लोग कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस भी कहते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को पास कर अप्लाई करने के लिए हमें पॉइंटर का होना आवश्यक होता है। इट रिड्यूस लेंथ ऑफ द प्रोग्राम एंड इट्स एग्जीक्यूशन टाइम एज वेल, ये क्या करता है किसी भी प्रोग्राम की लेंथ को कम करता है और उसके एग्जीक्यूशन टाइम्स को बेहतर बनाता है। इट अलाउ सी लैंग्वेज टू सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा कि मैं पहले बोला था कि ये डायनेमिक टाइप के डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। तो अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हम लोगों का डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट को, मतलब उसमें मेमोरी क्या होगा डायनेमिक, मतलब हम रन टाइम मेमोरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि अभी तक हम क्या कर सकते हैं कंपाइल टाइम ही कम या ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन अब हम रन टाइम भी मेमोरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के नाम से जानते हैं। यूसेज ऑफ पॉइंटर, अब पॉइंटर का यूज क्या है, तो वैसे आप बेनिफिट से समझ चुके लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर इन सी लैंग्वेज, पहला तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो कि मैंने अभी पहले बताया, तो इसके लिए मेला, केला, फ्री, रिलॉक ऐसे फंक्शंस होते हैं। इन सी लैंग्वेज वी कैन डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी यूजिंग मेलॉक एंड केलॉक फंक्शन वेयर द पॉइंटर इज यूज, मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए कुछ फंक्शंस हैं, मेलॉक है, केलॉक है, फ्री है, रिलॉक है, चार फंक्शंस हैं और एक ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर उनको सपोर्ट करता है, उन सब का यूज करके हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका जो यूसेज है वो है अरेज फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, मीन्स अरे फंक्शन और स्ट्रक्चर्स के केस में भी हम पॉइंटर इन सी लैंग्वेज आर वाइडली यूज इन अरे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, इट रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, इससे इसके यूज से क्या होता हमारा कोड रिड्यूस होता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो थैंक यू, ये था पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, आप लोग इसको पढ़िएगा और इसमें जो भी रिव्यू हो वो ज़रूर मुझे प्रोवाइड करिएगा ताकि हमें भी अच्छे अच्छे वीडियो और आप लोगों के पास नई नई जानकारियाँ